हेलो दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है और दोस्तों आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग ऐसे को हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे साथ ही साथ पढ़ना सीखेंगे और समझना सीखेंगे तो आज का वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे आप बहुत सारे इंग्लिश वर्ड सीखेंगे आपकी इंग्लिश वैकेब्यूलरी मजबूत होगी तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें एंड द टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग दैट इज अबाउट ऑनलाइन एग्जामिनेशन वर्ल्ड यानी कि दुनिया में दैट सीम्स जो दिखता है इंक्रीजिंगली तेजी से डोमिनेटेड यानी कि हाबी होते हुए बाय टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर्स बाय यानी कि के द्वारा तकनीक एंड कंप्यूटर्स और कंप्यूटर्स एवरीथिंग हैज मेड इट्स प्लेस ऑनलाइन एवरीथिंग यानी कि सब कुछ हैज मेड इट्स प्लेस ऑनलाइन यानि कि ऑनलाइन जगह बना लिया है फ्रॉम स्टडीज टू मीटिंग्स यानी कि पढ़ाई से मीटिंग तक प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट से रिपोर्ट्स तक एग्जाम्स टू रिजल्ट परीक्षा से परिणाम तक ऑल द थिंग्स कैन बी डन सभी चीज किया जा सकता है ऑनलाइन दोस्तों यह पैसे वॉइस में है कैन बी डन यानी कि किया जा सकता है जैसे आई कैन डू इट मैं यह कर सकता हूं मेरे द्वारा यह किया जा सकता है इट कैन बी डन बाय मी इन अ वर्ल्ड दैट सीम्स डोमिनेटेड बाय टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर्स एवरीथिंग हैज मेड इट्स प्लेस ऑनलाइन फ्रॉम स्टडीज टू मीटिंग्स फ्रॉम प्रोजेक्ट टू रिपोर्ट फ्रॉम एग्जाम्स टू रिजल्ट ऑल द थिंग्स कैन बी डन ऑनलाइन कंप्यूटर्स हैव लेफ्ट बिहाइंड यूज ऑफ पेन एंड पेपर With the arrival ऑफ ऑनलाइन टेस्ट यानी कि कंप्यूटर ने अब पीछे छोड़ दिया है लेफ्ट बिहाइंड काफी इंपोर्टेंट वर्ब है याद रखेंगे पेन और पेपर के प्रयोग को विद अराइवल ऑफ ऑनलाइन टेस्ट यानी कि ऑनलाइन टेस्ट के पहुंचने के बाद पेन और पेपर के यूज को पीछे छोड़ दिया है कंप्यूटर्स ने Computers have left behind the use of pen and paper with the arrival of online tests. Top premier institutes have started the format of online examination. Computer-based testing is not just about taking an examination on a computer. It also involves changes in the yani ki dosto, top premier institutes. Premier means yani Pramukh. संस्थान स्टार्टेड शुरू कर दिया है फॉर्मेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन यानी कि ऑनलाइन परीक्षा की फॉर्मेट को कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग इज नॉट जस्ट अबाउट टेकिंग एन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग यानी कि कंप्यूटर पर आधारित जो टेस्ट होता है उसका काम सिर्फ परीक्षा लेना नहीं होता है अ कंप्यूटर कंप्यूटर पर इट ऑल्सो इन्वॉल्व यह शामिल करता है चेंजेस बदलाव को किस चीज में इन द इन द वे एग्जामिनेशन आर शेड्यूल्ड डिजाइन कंडक्टेड मॉनिटर्ड एंड ई यानी कि एग्जाम कब होगा कैसे होगा किस तरह का डिजाइन होगा किस तरह से संचालन होगा किस तरह से मॉनिटर्ड होगा और किस तरह से इवेल्युएट करना है मूल्यांकन करना है इन सभी चीजों को भी शामिल करता है ऑनलाइन कंसिस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग क्वेश्चन कंडक्टिंग एग्जाम्स एंड मैनेजिंग रिजल्ट यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन बना होता है कंसिस्ट ऑफ यानी कि बना होना यानी कि मुख्य रूप से एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से बना हुआ रहता है विच प्रोवाइड जो प्रदान करता है एन इजी टू यूज एनवायरमेंट यानी कि आराम से प्रयोग में आने वाला इन्वायरमेंट वातावरण इजी टू यूज यहां पर काफी इंपोर्टेंट फ्रेज है यानी कि किसी भी चीज को आसानी से यूज कर लेना जैसे फॉर प्रिपेयरिंग क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन बनाने में इजी होता है कंडक्टिंग एग्जाम्स एग्जाम्स को कंडक्ट करने में संचालन करने में आराम होती है एंड मैनेजिंग रिजल्ट भी आसानी से घोषित किया जाता है यानी कि जांच भी जल्दी हो जाती है ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ मेनली एमसीक्यूज विच प्रोवाइड एन ईजी टू यूज एनवायरमेंट फॉर प्रिपेयरिंग क्वेश्चन कंडक्टिंग एग्जाम्स एंड मैनेजिंग results. Also, these एग्जाम्स आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव और यह काफी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। यानी कि पैसे भी कम लगते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स यानी कि क्वेश्चन पेपर्स बांटने में और प्रिंट करने में कोई भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं आता है यहां पर दोस्तों इनकर्ड का अर्थ हुआ एक तरह से झेलना उठाना यानी कि कोई भी खर्च नहीं उठाना पड़ता है जो भी खर्च जैसे प्रिंटिंग करने में लगता है पेपर्स के डिस्ट्रीब्यूशन में लगता है उस खर्च से हम लोग बच जाते हैं यानी कि ऑनलाइन एग्जाम्स में एक ही बार में सबके पास क्वेश्चंस पहुंच जाता है ऑल्सो दिज एग्जाम्स आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एज नो एक्सपेंसिस आर इनकर्ड फॉर प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स एग्जाम कैन बी कंडक्टेड परीक्षा का संचालन हो सकता है इन सेवरल जियोग्राफिकली एट द सेम टाइम यानी कि उसी वक्त में जो भी अलग अलग एरिया है भौगोलिक रूप से अलग अलग बटा हुआ है स्कैटर्ड है ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से एक ही बार में कंडक्ट किया जा सकता है यानी कि परीक्षार्थी किसी भी लोकेशन में रहे उनके पास क्वेश्चन पहुंच जाएगा यदि इंटरनेट की सुविधा हो तब एग्जाम कैन बी कंडक्टेड इन सेवरल स्कैटर्ड लोकेशंस एट द सेम टाइम। कैंडिडेट हैज द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज द फ्लेक्सिबिलिटी। काफी इंपोर्टेंट वर्ड है यानी कि अपनी मर्जी के अनुसार एग्जाम लोकेशन एंड टाइम यानी कि वे एग्जाम लोकेशन और टाइम को चूज कर सकते हैं

थ फिजिकल डिसिटी इंक्लूडिंग हियरिंग विजुअल एटसेट्रा यानी कि यह एग्जामिनेशन सिस्टम प्रकट हुआ हैरदान के रूप में फॉर द कैंडिडेट्स उन कैंडिडेट के लिए जो फिजिकल डिसबिलिटी रखते हैं और जिन्हें देखने या सुनने की समस्या है यानी कि दिव्यांग लोग भी एग्जाम दे सकते हैं दिस सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन हैज हैज्सो इमर्ज एज अ बून फॉर द कैंडिडेट्स विद फिजिकल डिसबिलिटी इंक्लूडिंग हियरिंग विजुअल एटसेट्रा वेरियस इनपुट डिवाइसेस कैन बी यूज अलग अलग डिवाइसेस यूज किया जा सकता है टू एक्सटेंड एक्सेस टू सच विजन यहां पर एक्सटेंड अर्थ हुआ ऑफर यानी कि एक तरह से देना यानी कि ऐसे सोच को इस विजन को पूरा करने के लिए अलग अलग डिवाइसेस का यूज किया जा सकता है उन तक एक्सेस पहुंचाने के लिए एक्सेस देने के लिए ब्रेल कीबोर्ड्स आर अवेलेबल फॉर दोज विद विजन प्रॉब्लम्स, ब्रेल कीबोर्ड्स जिसमें एक तरह से गड्ढा किया हुआ रहता है यानी कि छूकर आप जान सकते हैं कि ए लिखा या बी ऐसे कीबोर्ड्स अवेलेबल हैं उन लोगों के लिए जिन्हें विजन प्रॉब्लम है जिन्हें दिखाई नहीं देता है और दूसरी बेनिफिट यह है कि कैंडिडेट्स कैन प्रैक्टिस अभ्यास कर सकते हैं थ्रू मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट के द्वारा यानी कि एक तरह से उसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे लेकिन वो एग्जाम नहीं रहेगा विच आर अवेलेबल ऑनलाइन जो कि ऑनलाइन उपलब्ध रहता है

जबकि ऑफलाइन एग्जाम में यदि आप एक बार ओ एम आर पर सर्कल कर देते हैं विद पेन कलम से तो आप उसे बदल नहीं सकते द बेस्ट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम इज दैट वन कैन चेंज द आंसर फ्रीक्वेंटली एट अ क्लिक वाइल इन ऑफलाइन इट इज डिफिकल्ट वंस यू सर्कल ओ एम आर विद पेन पीपल ऑलरेडी इनगेज इन फुल टाइम जॉब्स यानी कि ऐसे लोग जो फुल टाइम जॉब में पहले से लगे हुए हैं और क्लासेस या क्लास में फाइंड ऑनलाइन एग्जाम्स ऐसे ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम्स को पाते हैं इजिली एक्सेसिबल आसानी से उनके पास पहुंच जाती है एक्सेसिबल हो जाता है एज द फिजिबिलिटी टू टेक एग्जाम फिजिबिलिटी यानी कि वर्कैबिलिटी यानी कि जो काम हो सके उसे ही हम लोग फिजिबल कहते हैं फिजिबल से बना फिजिबिलिटी यानी कि साध्य एज द फिजिबिलिटी टू टेक एग्जाम एट द प्रेफर्ड लोकेशन गिव्स देम द अपॉर्चुनिटी टू अपियर फॉर द एग्जाम प्रेफर्ड लोकेशन यानी कि आपकी जहां पर इच्छा हो उस लोकेशन में आप एग्जाम दे सकते हैं और ऐसा संभव है फिजिबिलिटी है ऑनलाइन एग्जाम्स की वजह से गिव्स देम अपॉर्चुनिटी उन्हें मौका देता है टू अपियर फॉर द एग्जाम परीक्षा में बैठने के लिए इन ब्रीफ संक्षेप में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम सिस्टम इज मोर सिक्योर एंड सेव्स मनी टाइम एंड अवॉइड्स वेस्टेज ऑफ पेपर संक्षेप में कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम्स होते हैं वह ज्यादा सिक्योर है पैसे को बचाता है समय को बचाता है और वेस्टेज ऑफ पेपर को अवॉइड करता है आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने बहुत सारे इंग्लिश वर्ड सीखे होंगे जैसे दोस्तों इजी टू यूज फिजिबिलिटी फ्लैक्सीबिलिटी एक्सटेंड इसका अर्थ फैलाना भी होता है बढ़ाना भी होता है और किसी भी चीज को देना भी होता है यानी कि ऑफर करना हेल्प भी आप लिख सकते हैं यानी कि मदद करना आपने सीखा एक वर्ड बून एज अ बून यानी कि बहुत ही ज्यादा लाभ बरदान साबित होना एक वर्ड आपने सीखा प्रीमियर यानी कि मेजर प्रमुख एक और वर्ब आपने सीखा लीव बिहाइंड यानी कि पीछे छोड़ देना और पीछे छोड़ दिया यानी कि लेफ्ट बिहाइंड एक वर्ड है ई यानी कि मूल्यांकन करना असेस करना एक वर्ब आपने सीखा इनकर यानी कि झेलना या उठाना तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स भी सीखते हैं और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है बेनिफिशियल है इस तरह की वीडियोज आप लोगों को मिलते रहेंगे तो आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ बने रहिए और दूसरे सभी वीडियोज़ को जरूर देखिए ऑल राइट फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव अ ग्रेट डे